दोस्तों नमस्ते। आज हम बीए सेकेंड ईयर एट्थ पेपर से ईमेल क्या है, ईमेल से लाभ और इसकी परिसीमाओं को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं ईमेल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ईमेल का परिचय या ईमेल क्या है, इसके बाद इसका लाभ और इसकी परिसीमाओं को देखेंगे। तो ईमेल का परिचय देखें इसका कि ईमेल है क्या, तो देखते हैं। ईमेल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका उपयोग भी करते होंगे, लेकिन परीक्षा में इसे अपने शब्दों में कैसे लिखा जाए वह जानना जरूरी है। और लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है ईमेल के बारे में पूछने की संभावना है। जैसे पहले ज़माने में, ज़्यादा नहीं, अगर हम 20-25 साल पहले चले जाएं, तो लोग जितना आज लोग ईमेल को जानते हैं, उस समय लोग इतने ईमेल के बारे में जानते भी नहीं थे और न ही इतने ईमेल का प्रयोग भी करते थे। उस समय जो है पत्राचार का ज़्यादा उपयोग होता था। अपना संदेश भेजने के लिए पत्र व्यवहार करते थे या फिर संदेश वाहक के द्वारा संदेश भेजते थे। इस तरह से यह अधिक समय लेने वाला, खर्चीला, दुर्गम जगहों पर संदेश भेजने में असुरक्षित या फिर समय पर नहीं मिल पाता था, आदि कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता था। जब इंटरनेट द्वारा ईमेल का उपयोग होने लगा, तब से संदेश भेजने का समस्या का समाधान हो गया। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का माध्यम है, इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। ईमेल के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज तुरंत भेज सकते हैं। ईमेल जो है वह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रकाश की गति से गमन करता है, यानी कि अत्यधिक तीव्र गति से यह अपना संदेश पहुंचाता है। संदेश कर जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति को कंप्यूटर पर उपस्थित होना भी जरूरी नहीं है, वह अपने जो है सुविधा अनुसार अपने मेल बॉक्स को जब चाहे तब वह खोल कर अपना संदेश पढ़ सकता है। ईमेल संदेश में चित्र, ध्वनि या शब्द को उसी रूप में भेज सकते हैं जिस रूप में हम चाहते हैं। जैसा पहले पत्र लिखकर अपने रिश्तेदारों को भेजते थे, उसी प्रकार भेज सकते हैं, लेकिन तरीके जो है वह अलग हो गए हैं, तरीके बदल जाते हैं। इसमें भेजने के लिए उपयोगकर्ता और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों के पास जो है ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। बहुत सी कंपनी है जो ईमेल की सेवा प्रदान करती है, उनमें जो प्रमुख है जीमेल। जीमेल का नाम आपने सुना ही होगा, सुना क्या, जीमेल का आप यूज करते ही होंगे सबसे ज़्यादा, जिसका उपयोग जो है दुनिया में सबसे अधिक किया जाता है। जीमेल के अलावा हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू मेल, ये सभी जो है ईमेल सेवा प्रदान करती है। इस प्रकार से जो है ईमेल की सहायता से दुनिया के किसी कोने में अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सहयोगियों, ग्राहकों को जो है संदेश भेज सकते हैं। इसके माध्यम से लोगों से जो है मिला भी जा सकता है। ईमेल से चैटिंग के द्वारा जिस व्यक्ति से चाहें उसे हम संप्रेषित कर सकते हैं। इसके लिए संदेश को जो है हम टाइप करते जाते हैं और यह संदेश जो है सामने वाले व्यक्ति के पास जो है पीसी स्क्रीन पर आ जाता है, जैसे कि एक दूसरे से लिखित रूप में हम बात कर रहे हैं। चैटिंग के दौरान ठीक उसी समय क्या है कि एक दूसरे की हम आवाज़ भी सुन सकते हैं और एक दूसरे को देख भी सकते हैं। यह सुविधा इंटरनेट से जुड़े ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा मिलता है। भेजने के लिए जिस प्रकार से डाक का पता होना जरूरी होता है, उसी प्रकार से ईमेल पता होना भी जरूरी है। जैसे कि varun@gmail.com को अगर हम देखें उदाहरण के लिए, तो यहाँ पर जो वरुण है वह उपयोगकर्ता का नाम है, जो उपयोग कर रहा है उसके नाम का वह सूचक है। जीमेल वह संगठन है जो अपने सर्वर द्वारा ईमेल सेवाएं देता है। और जो ये कम है यह बताता है कि जीमेल एक व्यापारिक संस्थान है। तो इस तरह से ईमेल का एड्रेस होता है। इसके बाद हम देखेंगे ईमेल का लाभ क्या है। तो ईमेल से जो है समय की बचत होती है, धन की जो है बचत होती है, या तीव्र गति से संदेश इससे भेज सकते हैं, सुरक्षित साधन है, कागज़ में जो है कटौती होती है, धैर्यवान होता है, ये उपयोग में भी आसानी है, इसको उपयोग करना भी आसान है। तो समय की बचत जो है ईमेल के द्वारा संदेश भेजने पर बहुत ही कम समय में बिना परेशानी के मनचाहे जगहों पर अपना संदेश को आप भेज सकते हैं। इसके बाद है धन की भी बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है धन की बचत की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। चार पृष्ठों का जो कूरियर या फैक्स को अगर हम अमेरिका या किसी और स्थान दूर दराज भेजना है, तो इसमें जितना खर्च लगता है उसकी अपेक्षा उसी पत्र को एक जो है स्थानीय लोकल कॉल के खर्च पर हम उसे हम ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। इसके बाद है तीव्र गति। ईमेल सेवा को देखें तो यह प्रकाश की गति से
संदेश को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है, बहुत ही तीव्र गति से इसे एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है। इसके बाद है सुरक्षित यह साधन है। आज के इस डिजिटल जमाने में ईमेल का उपयोग लगभग सभी सरकारी, प्राइवेट, स्कूल, कॉलेज, बैंक, अस्पताल, कंपनी आदि जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को भेजने में किया जाता है। कोई भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को जैसे फोटोज, मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, मैसेज आदि को जो है बेहतर तरीके से संगठित करके यानी ऑर्गेनाइज करके इसको रख सकता है। उसके बाद है कागज में कटौती। इलेक्ट्रॉनिक मेल से संदेश भेजने में कागज का इस्तेमाल नहीं होता है। इससे क्या है कि कार्यालय में कागज की जो रद्दी में पड़े रहते हैं, ढेर लगा रहता है, उससे छुटकारा मिलता है और कागज के जो है कम उपयोग होने से वृक्षों की कटाई भी नहीं होती है, क्योंकि कागज जो है पेड़ पौधों से बनाया जाता है और इस तरह से पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। तो जो ईमेल है वह पर्यावरण फ्रेंडली है। इसके बाद हम देखेंगे यह धैर्यवान होता है। ईमेल तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक कि हम उसे पढ़ नहीं ले, यानी कि हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार अपना आईडी खोलकर अपना संदेश पढ़ सकते हैं, जब चाहें अपनी सुविधा अनुसार इसको खोलकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कि यह उपयोग में भी आसान होता है, इसको उपयोग करना आसान है। ईमेल भेजना बहुत ही आसान है, बैठे बैठे ही इसे आराम से जब चाहें अपने मन के अनुसार इसे भेज सकते हैं और इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके बाद है ईमेल का जो है परिसीमाओं को देखेंगे, इसका लिमिटेशन क्या है। ईमेल उपयोग करने के लिए हार्डवेयर उपकरण यानी कंप्यूटर का होना जरूरी है। कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन भी इसमें चाहिए, नहीं तो मैसेज जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। यह अस्थायी होता है क्योंकि इसको मेल संदेश को यूनिक्स द्वारा प्रस्तुत किए गए ढंगों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें टेक्स्ट परिवर्तन या पूर्ण रूप से इसको काटा या हटाया जा सकता है। यह एक जल्दीबाज माध्यम होता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना इसमें कठिन होता है। तो आपने देखा ईमेल क्या है, इसका लाभ और इसकी परिसीमाओं को। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।